हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो बेसिकली जब भी पानी को ट्रीट किया जाता है तो उसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए स्टोरेज या तो क्लियर वाटर स्टोरेज रिजर्वर होता है जो नॉर्मली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, उसके बाद वहाँ से उसको पंप करके जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे भी लाया जाता है। वहाँ पे भी ऐसे स्टोरेज टैंक होते हैं जिसे क्लियर वाटर रिजर्वर बोला जाता है, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस रिजर्वर होता है। तो थ्रू आउट द डे हमारा डिमांड तो अलग अलग होता है, तो ये जो फ्लक्चुएटिंग डिमांड है उसको बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मली और पीक डिमांड में हमारा जो भी फ्लो है वो प्रॉपरली मिलता रहे, उसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विस रिजर्वर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड इमरजेंसी स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है। तो मेजर फंक्शन की बात करें तो जब तक पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तब तक पानी स्टोर करना है, जो भी अवरली वेरिएशन है उसका जो भी है उसका एब्जॉर्ब करना है उसका वेरिएशन, ताकि डिमांड कॉमन रहे। देन ट्रीटमेंट यूनिट या पंप जो भी वर्क कर रहे हैं वो कांस्टेंट रेट पे काम करे, क्योंकि यहाँ पे पानी का बैलेंस रहेगा और पूरे एरिया में कांस्टेंट प्रेशर मिले, ओवरऑल इकोनॉमी हो, जो भी हमारा साइज है पंप पाइपलाइन या ट्रीटमेंट यूनिट्स का वो कॉमन रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि कितना पानी सप्लाई करना है। एंड हम पंपिंग भी शिफ्ट में करेंगे, सो 8 to 16 आवर्स पंपिंग कैन बी कैरिड आउट टू मीट द होल डे डिमांड। तो ऐसा नहीं कि थ्रू आउट आपको पंप करना पड़ रहा है, थोड़े टाइम के लिए पंप करके बाकी का पानी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जब पंप नहीं हो रहा है तभी यही बैलेंस पानी यूज कर सकते हैं। एंड कभी भी इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी या रिपेयर ब्रेकडाउन, तो ये पानी जो स्टोर होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्वर, सरफेस या ग्राउंड रिजर्वर मतलब ग्राउंड लेवल पे है, या दूसरा एलिवेटेड मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर, जिसे एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वर ESR मीन्स सर्विस रिजर्वर, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर, देन ओवरहेड टैंक बोला जाता है। तो उसमें दो टाइप के टैंक होते हैं, एलिवेटेड एंड स्टैंड पाइप। फर्स्ट विल सी दिस सरफेस रिजर्वर और ग्राउंड रिजर्वर, जो नॉर्मली स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जो सर्कुलर रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर या बिलो ग्राउंड बने हो सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस, दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्राउंड रिजर्वर जो स्टोन ब्रिक या नॉर्मली RCC का बना होता है, एंड जो भी हाई पॉइंट सिटी का है वहाँ पे जनरली ग्राउंड वाटर टेबल का पोजीशन चेक करके उसको बनाया जाता है। सो जिसका साइज ज़्यादा हो, जहाँ पे ज़्यादा पानी स्टोर करना हो, तो वहाँ पे जनरली अंडरग्राउंड रिजर्वर बनाया जाता है। इसकी साइड वॉल थोड़ा ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो पानी का प्रेशर ले सके एंड ऑल्सो अर्थ प्रेशर भी ले सके जब वो एम्प्टी हो। जब पानी हो तो पानी का प्रेशर और जब एम्प्टी हो तो अर्थ प्रेशर, उस हिसाब से साइड वॉल्स को डिज़ाइन किया जाता है। एंड वाटर टाइटनेस के लिए बिटुमिन कंपाउंड का यूज़ किया जाता है एट ऑल द जॉइंट्स। एंड यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द RCC स्लैब, उसके ऊपर नॉर्मली अर्थ का लेयर किया जाता है। वहाँ पे आप ग्रीन लोन प्रोवाइड कर सकते हैं टू कीप दिस रिजर्वर कोल्ड। एंड फॉर द वेंटिलेशन पर्पस नॉर्मली वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड। सो हियर यू कैन सी दिस, दिस इज द इनलेट पाइप दैट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड दिस इज द वाटर लेवल। एंड ये वॉश आउट पाइप है, जब भी क्लीनिंग करेंगे तो यहाँ से उसको हम ले सकते हैं। एंड दिस इज द सेक्शन एंड दिस इज ओवरफ्लो पाइप एंड दिस वेंटिलेटर्स टू कीप वेंटिलेशन एंड कंट्रोल वाल्व भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे दो सेक्शंस बने हुए हैं इन दिस सरफेस रिजर्वर या ग्राउंड रिजर्वर। नेक्स्ट आता है एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर। सो एज द नेम सजेस्ट वो एलिवेटेड है, ग्राउंड से ऊपर है। सो नॉर्मली जहाँ पे ग्रेविटी सिस्टम यूज नहीं होता है वहाँ पे एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर बनाया जाता है, जो रेक्टेंगुलर सर्कुलर या इलिप्टिकल शेप का हो सकता है। सो फर्स्ट यू हैव टू पंप दिस वाटर, यू हैव टू स्टोर दिस वाटर, वाटर विल ट्राई टू मेंटेन इट्स लेवल। सो यहाँ तक आपको हेड मिल सकता है, और हेड लॉस अगर आप माइनस करो तो आपको एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिल सकता है कि कितना प्रेशर मिल रहा है। सो एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर जनरली 6 से 8 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, और जहाँ पे कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम यूज होता है वहाँ पे पंप करके पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता है। वो स्टील या RCC का होता है, बट नावा डेज RCC ज़्यादा यूज होता है, जिसे RCC या इंड टैंक भी बोला जाता है। सो दिस इज द एसेसरीज ऑफ टिपिकल ESR दैट इज एलिवेटेड सर्विस रिजर्वर। सो इसके अंदर एक इनलेट पाइप जो या तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है या तो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से आएगा।
नेक्स्ट इज ओवरफ्लो पाइप। तो अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी अगर एक लेवल से ज़्यादा हो रहा है तो ये ओवरफ्लो पाइप से वो बाहर निकाल सकते हैं। देन लेवल इंडिकेटर, पानी का लेवल कितना है वो जानने के लिए लेवल इंडिकेटर होता है, तो हमको पता चलता है कि कितना पानी हमको पंप करना है। देन सो इट विल शो द डेप्थ ऑफ वाटर, सो पर्टिकुलर पानी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। देन ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, अगर पानी का टैंक फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। देन मैनहोल इज प्रोवाइडेड टू फॉर द रिपेयर और या समथिंग क्लीनिंग पर्पस के लिए, ये स्टेप्स होते हैं। लेडर होता है, देन वेंटिलेटर फॉर सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर, एंड दिस आर द कॉलम्स ओवर विच दिस इज रेस्टेड, एंड ये बीम है और यहाँ पे से ये आउटलेट पाइप है। सो ये पूरा हेड हमको मिलेगा। सो ये आउटलेट पाइप आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है लेआउट के साथ, एंड दिस इज द वॉश आउट पाइप। जब भी क्लीनिंग करते हैं तो यहाँ से पानी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं वॉश आउट पाइप के थ्रू। सो दिस इज द इंस टैंक दैट इज नॉर्मली प्रोवाइडेड। आरसीसी टैंक है पूरा, उसमें वीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंड पाइप्स। तो स्टैंड पाइप भी एलिवेटेड टैंकी है बट विदाउट दैट टावर, जो कॉलम्स वगैरह नहीं होती है, तो ग्राउंड के ऊपर कोई कॉलम नहीं है, कोई इरेक्टिव टावर्स नहीं है। सो जनरली स्टील का बना होता है, सर्कुलरिंग प्लान होता है, तो डायरेक्टली इट इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और पूरा का पूरा पानी से भरा होता है। सो जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रीटेड वाटर, ये ट्रीटेड वाटर आ रहा है, और दिस इज द ओवरफ्लो पाइप। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो ओवरफ्लो पाइप से इसको बाहर निकाल सकते हैं, एंड दिस इज वॉश आउट पाइप, जब क्लीनिंग करते हैं तो उसका पाइप है। यहाँ पे वाल्व दिए गए हैं। अभी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वाटर लेवल मेंटेन किया जाता है, और क्योंकि यहाँ से ये आउटलेट पाइप है, सो ये आउटलेट पाइप होगा, यहाँ का जितना भी वाटर हेड अवेलेबल है वही पानी यूज करेगा, तो जिससे इसे यूजफुल स्टोरेज बोला जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल स्टोरेज भी है, सो दिस एडिशनल स्टोरेज कैन बी यूटिलाइज फॉर द फायर फाइटिंग एंड अदर पर्पस व्हेन द इमरजेंसी अराइजेस। सो नॉर्मली इसका हाइट 10 to 15 meters और डायमीटर भी 10 to 15 meters तक हो सकता है। सो एलिवेटेड टैंक विदाउट इरेक्शन ऑफ एनी टावर, जस्ट रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, इट इज कॉल्ड ए स्टैंड पाइप। नाउ देर इज अ इफेक्ट ऑफ लोकेशन एंड हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर। हाइट कितना है और उसका लोकेशन कितना है वो प्रेशर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। सो जनरली इट शुड बी लोकेटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सेंटर ऑफ डिमांड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, तो अगर एलिवेटेड टैंक अगर आप सेंटर में प्रोवाइड करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, हेड लॉस कम होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड ट्रैवल टाइम भी कम लगेगा। और जितना हो सके उतना हाई एलिवेशन पे आप प्रोवाइड करोगे तो सफिशियंट एलिवेशन की वजह से वो ग्रेविटी फ्लो पॉसिबल होगा विद द एडिक्वेट प्रेशर। हियर यू कैन सी दीज आर द टू लोकेशन अरेंजमेंट एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड एडवांटेज ऑफ दैट। सो फर्स्ट लोकेशन इज नियर टू पंपिंग स्टेशन, ये पंपिंग स्टेशन है, डायरेक्ट भी पंप किया, यहाँ पे पानी प्रोवाइड किया, तो दिस इज अवर टोटल एनर्जी लाइन। और जैसे जैसे एरिया दूर चला जा रहा है तो प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि हेड लॉस ज़्यादा है। तो इस केस में लास्ट जो मकान या जो भी घर है वहाँ पे प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पंप किया जा रहा है, देन यहाँ पे पानी स्टोर किया जा रहा है, और दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो सेंटर में प्रोवाइड किया है। तो इट इज़ अवे फ्रॉम द पंपिंग स्टेशन बट नियर टू द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हेड लॉस हो रहा है बट दोनों तरफ आपका पानी का जो प्रेशर है वो एक्सेसिवली डाउन नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट केस। सो वेयर यू हैव लोकेटेड योर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर दैट ये भी डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना मिल रहा है पर्टिकुलर जगह पे। तो इट इज़ प्रेफरेबल कि वो सेंटर में प्रोवाइड किया जाए, तो जब हायर डिमांड होगी तभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हेड लॉस नहीं होगा और प्रॉपर प्रेशर मिलेगा हर एरिया में। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ऑल्सो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।